क्या आपको पता है विंडो 7 हम अपने एंड्रॉइड फोन में चला सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि एंड्रॉइड सिस्टम में सिर्फ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है एंड यहां पे विंडो 7 आपके कंप्यूटर के लिए बनी है, मतलब आपके पीसी के लिए बनी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे एंड्रॉइड फोन में विंडो 7 का यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप अपने फ्रेंड को बता भी सकते हो कि हमने विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल पे डाल रखी है। अगर आपके फ्रेंड को इस ट्रिक का पता नहीं होगा तो वो जरूर सोचेगा कि यार ये बंदा इसमें विंडो 7 रन कैसे किया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा तब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च बार में टाइप करना है WIN7। यहां पे लिखना WIN7, उसके बाद स्पेस SIMU, यहां लिखना है Win7SIMU, उसके बाद आपको यहां पे सर्च करना है। जैसे आप यहां पे Win7SIMU लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने यहां पे सबसे पहला ही एप्लीकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा Win7SIMU। बस क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। यहां पे इंस्टॉल में क्लिक करेंगे, इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होना यहां पे चालू हो जाएगा। बस आपको यहां पे कुछ सेकंड आपको वेट करना है, आपका नेट पे डिपेंड करेगा कि यहां पे कितना फास्ट यहां पे आपका इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है। बस यहां चलिए कुछ सेकंड आपको यहां पे वेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहां पे देखने को मिलेगा प्ले। बस क्या करेंगे, इस प्ले वाला बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे आपका स्क्रीन इस तरह से यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइज आपके सामने एक नया विंडो यहां पे खुल के आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग विंडोज। आपको यहां पे देख सकते हैं गाइज, जिस तरह सेम जैसे आपका कंप्यूटर में होता है उसी तरह यहां पे आपको सेम आपका मोबाइल में इस तरह से यहां पे देखने को मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है विंडो। उसके बाद गाइज यहां पे आप देखेंगे यहां पे जिस तरह आप कंप्यूटर को जैसे आप अपना शट डाउन रहता है उसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस इस तरह से देखने मिलता है। यहां पे जैसे विंडो 7 लिखा हुआ है, उसके बाद यहां पे देखें स्विच विजर में क्लिक करेंगे तो यहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको गेस्ट में क्लिक करके दिखाऊंगा। यहां पे क्या करेंगे, इस जगह क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं गाइस यहां पे लोडिंग ले रहा है। उसके बाद गाइस यहां पे आप आवाज भी सुन सकते हैं, जिस तरह विंडो खोलते हैं उसी तरह यहां पे सेम आपको आवाज भी सुनने को मिलेगा। जिस तरह आप विंडो ओपन करते हैं यानी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी ओपन करते हैं उस तरह आवाज निकलता है, तो उसी सेम यहां पे आवाज देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस यहां पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं, यहां पे विंडो 7 का पे जो सेम लैपटॉप या कंप्यूटर होता है सेम आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नल वगैरह यहाँ पे डेट टाइम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह वहाँ पे दिखा था सेम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका डेट, यहाँ से अपना डेट को चेंज कर सकते हैं जिस तरह करना है। यहाँ पे सेम आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो भी होता है उसी तरह देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर देखने मिलेगा, आप जिस तरह भी अपना फिंगर को मूवमेंट करेंगे आपका फिंगर यहाँ पे जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ भी आपका कर्सर जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे सारा कुछ आपको आपका जैसे कंप्यूटर में होता है सारा कुछ यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मेरा रिसाइकल बिन, यहाँ पे आप रिसाइकल बिन देख सकते हैं, रिसाइकल बिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, यहाँ पे कुछ डिलीट करेंगे रिसाइकल बिन में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सर्वर यहाँ पे जमा रहता है। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर, जिस तरह आपका सिस्टम में रहता है जैसे आपका विंडो 7 ओपन करते हैं या तो अपना लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर रहता है। तो यहाँ कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जहाँ भी क्लिक करेंगे आपका 100% यहाँ पे आपका काम करेगा। जिस तरह आप यहाँ पे कंप्यूटर में यूज करते हैं उसी तरह आप अपने मोबाइल फोन पे एंड्रॉइड सिस्टम में पे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का यहां पे काम कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं गाइस यहां पे लिखा हुआ है यहां पे एंड्रॉइड सिस्टम सी रिमूवल डिस्क एंड डीवीडी, यहां पे सारा कुछ यहां पे देखने को मिलेगा। इधर देखें तो यहां पे देखने को मिलेगा आपका। उसके बाद मैं यहां पे आपको दिखाता हूं विंडो यहां पे ओपन करके। यहां पे आप नीचे देखें यहां पे लिखा हुआ विंडो, इसमें टच करता हूं। उसके बाद गाइस यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप सारा कुछ यहां पे आएगा। देख सकते हैं गाइस यहां पे क्रोम आ गया, यहां पे गेम वगैरह नोटपैड अबाउट यहां पे सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको और भी देखना है तो यहां पे आपको लिखा हुआ है ऑल प्रोग्राम्स। बस क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने बाद यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे नोटपैड वगैरह आ गया, पेंट आ गया, फोटोज एंड सेटिंग वगैरह सिम टूल्स आ गया, विंडो 7 सिम्युलेटर। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे इधर आएंगे तो यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कैमरा वगैरह, यहाँ पे जो भी आपको ओपन करेंगे गूगल क्रोम या कुछ भी ओपन करेंगे यहाँ से पेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा। उसके बाद आप इधर देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पिक्चर कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, मतलब यहाँ पे सारा कुछ डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, मतलब सारा कुछ आपका विंडो जिस तरह आप यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को सारा कुछ अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे विंडो में मैं क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे देखिए स्नैपिंग टूल भी, यहाँ पे स्नैपिंग टूल में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्नैपिंग टूल आ जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे स्नैपिंग टूल में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं स्नैपिंग टूल में क्लिक किया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉइड सिस्टम में आप विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सेम आपका विंडो जिस तरह खुलता है सेम आपका विंडो तरह लगेगा, पूरा एकदम आपका ओरिजिनल विंडो होगा। तो आप इस तरह से गाइज बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन में
विंडो 7 को अपने मोबाइल फोन पे यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।